नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेटअप देख रहे हैं आप, ये मेरा आज यहां पे आखिरी दिन शूट हो रहा है, आखिरी वीडियो है यहां पे। इसके बाद वीडियो तो मैं आपके लिए शायद एक और डालूंगा, बट वो सेकंड लोकेशन पे डालूंगा। तो ये आप लोग इस वीडियो में लास्ट टाइम देख रहे हैं वाला, पीछे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपडेट देनी थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो जो आपने आज देख लिया बजट, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट के लिए सारे इवेंट्स खत्म हो गए, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज रात 12:30 बजे अमेरिका के बाजार से आएगी बड़ी खबर। क्यों और क्या है खबर, वो शायद आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप हमारे व्यूअर हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, यूएस मार्केट में एफओएमसी मीटिंग चल रही है, कल और आज दो दिन की मीटिंग है। और आज रात 12:30 बजे हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से रात में 12:30 बजे आउटकम आएगा इस मीटिंग का, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हो सकते हैं ये उम्मीद है। और एग्जैक्टली आपको इसी के आसपास रेट हाइक होते हुए दिखेंगे। अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट हाइक होते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा। बट उम्मीद, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक किए, एग्जैक्टली आपको इतने ही रेट हाइक आते हुए दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री। कमेंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कहीं वो आगे चल के आउटलुक जो है वो अभी क्या कमेंट्री अभी भी नेगेटिव होगी उनकी या पॉजिटिव हो जाएगी। मार्केट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है नेगेटिव कमेंट्री होगी। अगर कमेंट्री नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है अमेरिका के बाजार में, और कल इसका सेल ऑफ हमारे बाजार में भी आ सकता है। वैसे तो हम ऑलरेडी, आज आपने देखा काफी ज्यादा हैवी वॉलेटाइल हुआ अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, डिटेल वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। तो ये आज रात 12:30 बजे आपके लिए एक बड़ा इवेंट है, यूएस मार्केट से खबर आएगी। मे बी मैं आपके लिए रात में 12:30 बजे वीडियो बनाऊंगा, मे बी, अदरवाइज मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जगेगा रात के 12:30-1 बजे। वैसे ही विंटर का सीजन है, गर्मी होती तो एक बार को मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करें डाटा रात में 11:30-12:30 बजे, बट देखते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे ना कि नहीं भाई बनाओ 12:30 बजे भी, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, बट प्लीज ऐसा करना मत, ठीक है। अब आते हैं आज के सेशन में, जो जो स्टॉक्स फोकस में आए हैं उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस, NIACL, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड, इन स्टॉक्स में आपने बड़ी गिरावट दिखी है। और इसके पीछे का रीजन है बजट, प्रॉपर बजट। देखिए मार्केट में जब गिरावट होनी होती है ना, तो वो किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन तेजी में वो 5-7 बार सोचता है। ICICI लोम्बार्ड हटा दीजिए क्योंकि वो बाइक इंश्योरेंस वगैरह काम हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं HDFC, मतलब जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से या लाइफ इंश्योरेंस, वो बड़ी गिरावट दिखाते हुए दिखे हैं आपको। क्या हुआ है इन स्टॉक्स में, सरकार ने ना एक स्कीम कर दी है यहाँ पे चेंज। क्या कर दिया है, जो टैक्स की बात है, हम लोगों के लिए तो अच्छा आया है टैक्स के बारे में, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली नेगेटिव चीज हो गई है। शॉर्ट मीन्स शॉर्ट में जो नेगेटिव है, आगे चल के इसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या है, पॉजिटिव तो नहीं होगी, मींस एक्सेप्ट हो जाएगी वो चीज की, हाँ यार ये तो है ही है। अब क्या हुआ है, पहले जो भी 5 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं प्रीमियम पे करते थे इंश्योरेंस का एक साल में, और वो पैसा वापस आता था उनके पास, तो वो विदाउट टैक्स कट के आता था, यानी कि फुल का पूरा का पूरा पैसा वापस आता था। लेकिन अब क्या होगा, जो भी प्रीमियम मेंबरशिप है, यानी कि प्रीमियम लोग हैं जो 5 लाख से ऊपर का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है जिन्होंने, उनके पास जब पैसा रिटर्न आएगा तो वो टैक्स कट के आएगा, यानी कि टैक्स लग गया है उस पर। तो ये एक बड़ी खराब चीज दिखी, जिसके बाद इन स्टॉक्स में काफी हैवी गिरावट देखने को मिली आपको। अब बात करें अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, तो यहां पे आज हाइडनबर्ग की बाद क्रेडिट स्विज ने इनके क्रेडिट को, क्रेडिट जो बॉन्ड है उनकी वैल्यू 0 बता दी, इसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आई इनमें, आपने देखा, तो ये होता हुआ दिखा। उसके बाद CLSA भी इसी से रिलेटेड रिपोर्ट निकालते हुए दिखा, जो मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। रीजन यही था कि उन्होंने इनकी जो डेट की बॉन्ड्स की वैल्यू है वो बहुत, मतलब 0 बता दी, और इसी के बाद गिरावट आई है। अब आपके सामने बात करूं अगर मैं LIC के बारे में, तो देखिए LIC भी इसलिए गिरा क्योंकि LIC भी होल्ड करता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को। रिसेंटली अदानी ग्रुप ने कहा था कि अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हैं, बट अब मुझे लगता है वो भी शायद नेगेटिव हो गए होंगे, उनकी पोर्टफोलियो भी नेगेटिव हो गई होगी। बट डेफिनेटली इन लेवल से अदानी ग्रुप कितना गिरेगा, कितना कि नहीं गिरेगा, वो हमें नहीं पता, बट लेवल एक्चुअली में बहुत अच्छे हो गए हैं कुछ स्टॉक्स के। तो नेक्स्ट अगर ITC के बारे में बात करें, तो ITC के लिए भी आज एक नेगेटिव खबर आई बजट में, बट स्टॉक शार्प बाउंस बैक देते हुए दिखा।
अगर आईटीसी या किसी भी सिगरेट कारोबार में काम करने वाली कंपनी लाइक गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर आईटीसी, इन दोनों ही स्टॉक्स में बड़ा क्रैक हुआ था 6-7%, लेकिन वो शार्प रिकवरी हुआ। हुआ क्या, यहाँ पे 16% का टैक्स लगा दिया है एनसीसीडी पे, आई थिंक मैं एक्चुअल में ठीक बोल रहा हूँ, बट मैं आपके साथ ये वीडियो पूरी शेयर कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। बट उसके बाद इस पे रिएक्शन नहीं आया, तो ज्यादा लोगों के बीच में ना खलबली नहीं मची। अदरवाइज ये काफी नेगेटिव न्यूज आई है इस स्टॉक को लेकर भी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में। अब जो ये तेजी बन रही है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, बाकी मेरे यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो चीजें बन रही है वो अभी नेगेटिव ही ज्यादा दिख रहा है मूड माहौल बाजार का। और FIIDI का डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बट अभी शायद मेरे पास आया नहीं है, जैसे ही आएगा वो भी मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। काफी ज्यादा नेगेटिव मूड माहौल इस समय बनता हुआ दिख रहा है मार्केट का। इनफैक्ट जी अभी नहीं आया FIIDI का डाटा, देखने वाली बात है आज कैसे करके गए जाते हैं, क्योंकि कल भी लगभग 5,400 करोड़ की बिकवाली करके गए थे। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग गाइस, इंडियन होटल का स्टॉक छूट गया। इंडियन होटल्स के बारे में बताऊं तो सरकार ने बजट में टूरिज्म से रिलेटेड काफी ज्यादा फोकस कराया और इसलिए होटल स्टॉक्स भागते हुए दिखे आपको, चाहे वो इंडियन होटल हो, EIH होटल हो या फिर कोई भी होटल स्टॉक हो, तो वो आज आपको फोकस में दिखा। बाकी इसकी भी डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।